प्रसंग आपको नमस्कार करता हूँ। आज एक नई कहानी, कहानियां मैं सुनाता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि आप पत्रकार हैं, बड़े अच्छे मित्रों में से लोगों ने कहा, आप साहित्यकार हैं, आप नाटककार हैं, आप फिल्मकार हैं, कि क्या क्या है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीवन बहुत छोटा है, और मैं तो इस बात को मानने वाला हूँ कि संपूर्ण जिंदगी में आप जितना काम कर सकते हो करते रहो। और मैं काम करना चाहता हूँ, आप हमारी प्रशंसा करें या शिकायत करें इसकी मेरी कोई चिंता नहीं है। यूँ मैं आपको बता दूँ कि मैं हिंदी में, नाट्य शास्त्र में, चिकित्सा में पीजी होल्डर हूँ, पीजी डिग्री होल्डर हूँ, और फिल्म में भी हमने डिप्लोमा ली है, यूजीसी का नेट भी पास किया है, बहुत सारी और भी कई तरह की बातें हैं। मैं दूरदर्शन में हिंदी अधिकारी रहा हूँ, अध्यापन तो किया ही हूँ, मैं दूरदर्शन में हिंदी अधिकारी रहा हूँ, भारत सरकार का राजपत्रित, जो आते आते क्लास वन तक पहुँच गए। तो आज आपके शिकायत करने से तो कुछ होगा नहीं, आप अगर जो न कर सकते हो वो कीजिए, आपका अपना काम, आप में जो क्षमता है वो आप कीजिए, मैं करता हूँ। तो आज मैं एक ऐसी कहानी लाता हूँ, जलेबी आपने सुना होगा, और जलेबी खास करके आप वो मैदा वाली खाई होगी, और छेना वाली जलेबी भी आजकल हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित है, हमारे यहाँ की सर्वश्रेष्ठ मिठाई मानी जाती है छेना की जलेबी। तो आज जो हम मेरी कहानी है उसका शीर्षक है छेना की जलेबी। धनकू काका आज 92 वर्ष के हैं, आज भी खेतों का हिसाब किताब, हर जगह पुत्र पुत्रियों का अपार स्नेह, आज के युग में एक अजूबा सा लगता है। धनकू काका के 3 भाई और 1 बहन थी, उनसे 2 छोटे भाइयों का स्वर्गवास हो चुका। गांव में इनके 3रे भाई अब काफी बीमार चल रहे हैं। एक लंबा चौड़ा परिवार जिसमें दर्जनों भतीजे भतीजियों का संसार, छोटे बड़े 25 पोते पोतियों और नाती नतनियां हैं, मीलों पैदल चलना और अभी भी हल्का फुल्का व्यायाम कर लेना इनके दिनचर्या में शामिल है। इनका कहना मुझे बहुत भाता है, जितना चलोगे उतना चलो। जीने का एक ऐसा ढंग जिसे कोई भी व्यक्ति अपनाकर दीर्घायु बन सकता है। अभी तक अंग्रेजी दबा का प्रयोग से बाज आते रहे, स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी के साथ रहे थे, आज भी खद्दर की धोती और कुर्ता उनका परिधान है। उस जमाने के मैट्रिक पास, गांव में पहला आदमी जो उस समय जो चाहते बन जाते। सुनते हैं उस समय के लोग मिडिल पास, दरोगा, स्टेशन मास्टर और अध्यापक हो जाया करते, कचहरी में बाबू बन जाते। कहते हैं कि भूकंप साल से ही आजादी के लिए लड़ रहे थे, और आजादी तक 25 का उम्र हो गया था। उसमें पार्टी में इतनी पैठ थी कि जिसे अनुमोदित करते वही MLA MP बन जाता था। नेहरू जी आते थे तो सबसे पहले इन्हें खोजते थे। राजेंद्र बाबू की अनेक चिट्ठियां आज भी इनके संदूक में पड़े हुए हैं। थाना बिहपुर में जब अंग्रेजी पुलिस की लाठियां राजेंद्र बाबू पर बरसाई जा रही थी तो उनके देह पर सोकर अनेक लाठियां खाई थी, अनेक बार जेल गए थे, मगर आजादी के बाद जब स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन मिलने लगा तो इन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इनका कहना था कि आजादी की कीमत उन्हें नहीं चाहिए, जबकि उस समय के चोर डाकू भी जेल गए, सबके सब पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इनके भाइयों में ननकू काका, बिरजू काका और भोगी काका थे। ननकू काका और भोगी काका का देहावसान हो चुका है, जबकि बिरजू काका आज बेड पर दिन गिन रहे हैं। वे गांव के स्कूल में मास्टर हो गए थे और रिटायर्ड होने के बाद आज पेंशन की राशि पर गुजर कर रहे हैं। हालांकि नहीं चाहने पर भी काय किच किच के कारण संपत्ति का बंटवारा करना पड़ा।
ननकू काका की घरवाली इतनी दबंग थी कि काका उनके सामने भिंगी बिन्नी बने रहते थे। हर बात पर इन्हें बेवकूफ और उल्लू कहने से भी नहीं चूकती। सब दिन वेतन और पेंशन पर उनका पूरा अधिकार रहा है। आज तो बेचारे लाचार ही हैं। हालांकि काकी भी स्वस्थ कहां, वे भी भयंकर दम्मा की मरीज है। हैदराबाद की मछली वाली दवा का भी असर नहीं हुआ। उनके बेटे भी गांव की कुसंगति में बर्बाद हो चुके हैं। पढ़ाई लिखाई के विषय में भी ननकू काका का कुछ नहीं चलता था। पैरवी और ट्यूशन रोज किच किच का विषय हुआ करता था। ना चाहते हुए भी बेटे की शादी करनी पड़ी। काकी कहती, शादी ब्याह उम्र पर ही शो होता है। काका का नकाम प्रतिरोध हुआ करता था, नौकरी चाकरी खाक नहीं खिलाएगा क्या। आदमी किसी को नहीं खिलाता, भगवान जिसका मुंह चीरता है वही आहार की व्यवस्था करता है। मास्टर का बेटा, बड़े परिवार का ठाठ बाट तो कम नहीं ही होना था। फिर माँ का बरदहस्त जो है, अनाज बेचना, वक्त जगह जमीन भी बेच लेने में हिचकिचाहट नहीं होती थी। काका तो बिना हाय हिला के ही रजिस्ट्री ऑफिस जाकर दस्तखत बना देते। धनकू काका से कभी पटती नहीं थी। छोटे बड़े का ख्याल भी नहीं थी संजली काकी को। धनकू काका ही परहेज कर जाते, वे उन्हें गाली गलौज करती रहती। धनकू काका का मानना था कि जिस घर की औरत मर्दों पर भारी हो उस घर का नाश निश्चित है, उस घर की अगली पीढ़ी भी इससे प्रभावित होती है। धनकू काका के दो बेटे बबलू और सोनू, स्कूल का कुछ और नाम था, दोनों काका और काकी के समान स्वभाव से के अनुरूप ही थे। यहाँ से बीए साइंस से कर कहाँ दन और पढ़ाई किया, कोंची में कंपीट किया और जाकर एमपी में कलेक्टर है या उससे भी बड़ा ऑफिसर है। एक बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में कोनो बड़का ऑफिसर है। भाई जहाँ से पटना आता है हुआ से बड़का मोटर पर गांव आता है, आकर काका काकियों के पांव छूता है। गांव में मेम सी बहू भी लाकर उसी तरह पांव छूती है। मुदा ये वो खराब बात है, चुपचाप सबको बताते हैं, कितनो कहिएगा नहीं, दोनों पंजाति बिरादर का नहीं है। ये वो तो कहाँ दल फौरन न जाने कहाँ है, ये से मेम ले आया। खाली ढोल होने से क्या होता है, सब बच्चा कच्चा दोगला जन्म रहा है। काकी चटकारा ले लेकर समूचे गांव के लोगों को सुनाती है। अब गरीबों है तो इज्जत है, कलेक्टर साहब के मेहरारू दूसर जगह कोनो हाकिम है, हफ्ता पंद्रैया में भेंट होती है। एना ही ये थोड़े रहते होंगे, बुढ़वा तो पैसा देख के अनहरदाली लग गया था बुढ़वा को। हम गरीबों है तो इज्जत क्या, रोटी आधे दो सही खाते हैं। पोती रुलमा को देखिए, उम्र नहीं हुआ है, अरे दू बच्चा तो उम्र हो गया, कपड़ा छी छी ओढ़नियों नहीं लेती है, लाज शर्म तो है ही नहीं। बुढ़वा के गाल में गाल सटा कर भर पोजा पकड़ लेती है। बुढ़वा खुश कहता है कि आदमी आदमी ये क्यों होता, तो जात गोत काहे मिलाते हैं लोग। बुढ़वा भी क्या करेगा, कोई बातों मानेगा तब ना, हम गरीबों तो कोई कह सकेगा क्या, जात पूजा के ब्याह किया है, मोन रोटी खाते हैं, इज्जत से रहते हैं। मुंह पर तो कोई नहीं बोलता, मगर सुनना में गाँव में खूब कानाफूसी होती है। काका की तरह उनके बेटे भी गांव के विकास के लिए चिंतित रहते हैं। जब भी आता गांव के लिए, गांव के गरीबों के लिए कुछ न कुछ कर जाता। उसके आते ही बीडीओ साहब एसडीओ साहब तक मिलने आते और वह उनसे कहकर गांव वालों का काम करवा देते। उनके सामने ये ऑफिसर यस सर करते रहते। सब कुछ ठीक था, लेकिन गाँव के जाति बिरादर वालों ने धनकू काका को जाति च्युत करने से बाज नहीं आए। इसमें उनके तीन भाइयों के परिवार भी धनकू काका के साथ नहीं थे। उनका कहना था, ये तो पैसे वाले हैं, फिर जाति बरादर से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हमें तो ले दे अपने बेटे बेटियों की शादी ब्याह अपनी ही जाति में करनी है। धनकू काका के बेटे बेटियों की बात छूट रही है। मोटा मोटी बतला दूं कि वे भी सुखी नहीं है, अपना दुख तो सहलता ही है उन्हें, धनकू काका के सुख से उनका दुख कई गुना बढ़ जाता है। उनके तीन मंजिला घर को निहारते निहारते परिवार के कई लोगों को कोंची ने स्पोंडिलाइटिस की बीमारी हो गई है, गर्दन में वो बेल्ट लपेटे घूमते हैं। तनी मनी ठेकेदारी या इधर उधर कर किसी तरह परिवार चला रहे हैं। गांव का मुखिया बटोरन पासवान गांव पीछू कर कुछ कमा लेता है।
एक भाई मुखिया जी के प्रताप से पंचायत वाला मास्टर हो गया, एक अलग किस्सा है। बहाली में भी बुद्धि से काम लिया, बहाली नंबर से होता है। मुखिया जी के यहाँ जितना दरखास्त जमा हुआ ओकर तक कोई रिसीविंग दिया नहीं, इधर विष्णुदेव से बेसी नंबर वाला दरखास्त निकाल कर जला दिया और विष्णुदेव हो गया बहाल। खूब हंगामा हुआ, जांच के लिए कितना में ऑफिसर आए, लेकिन लिखतन हजूर वक्तन क्या कागज सब दुरुस्ता से बच गया। बेराम ननकू मास्टर एक दिन अंतिम सांस ले लेते हैं। धनकू काका अपने अंतिम भाई के मौत पर खूब रोते हैं। पैसा कौड़ी का टांट चलिए रहा था, ई बात धनकू काका समझ रहे थे। जेब से 5,000 रुपया निकालकर भतीजा के हाथ में अंतिम क्रियाक्रम के लिए देते हैं। रोते रोते वह निपट जाता है धनकू काका से और ढाढ़स बंधाते हुए धनकू काका कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। यह बात परिवार के अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगा, वे अर गए। अगर धनकू काका लाश में हाथ लगाएंगे तो कोई स्मशान तक भी नहीं जाएगा और शराब का भोज तो नहीं है खाएगा। धनकू काका एक लकड़ी का टुकड़ा भतीजे के हाथ में दे रोते बिलखते अपने घर आकर खूब रोते। बचपन की सारी स्मृतियां और उनके रहते अभी छोटे भाइयों का गुजरना उन्हें अखर गया। अंतिम चाचा के श्राद्ध में बबलू और सोनू दोनों भाई सपरिवार आ गए, लेकिन यहाँ के माहौल को देखते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सभी लोग अपने दकियानुसी पर अड़े हुए थे। काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। अंत में पैसों के लिए दर दर छिछियाते अपने चचेरे भाई के हाथ में 25,000 रुपये देते हुए बबलू ने कहा, खूब धूमधाम से श्राद्ध करो, कोई चिंता नहीं, घटेगा तोड़ दूंगा। श्राद्ध खूब धूमधाम से हुआ, हर जाति के लोग शरीक हुए। इस गुजात परिवार को छोड़कर बच्चे अचंभित थे, उनकी समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि सब भोज खा रहे हैं वे क्यों नहीं। हालांकि कुछ ब्राह्मणों को जिमाकर बच्चों को भोज का अनुभव कराने का प्रयास किया गया। अपने जाति में च्युत व्यक्तियों के यहाँ ब्राह्मण महापात्र जिम सकते हैं, लेकिन उसे अपनी जाति के अंदर साथ नहीं रख सकते। लेकिन छोटा लड़का बाल सुम भावनाओं और सामाजिक छल कपट के परे चला गया वहां तक। वहां से इस कदर खदेड़ दिया गया जैसे वह भिखमंगों से भी गया गुजरा हो। उसका रोते हुए आना अखर गया दोनों भाइयों, वे मरने मारने को और बर्बाद करने को उतारू हो गए। ऊपर से भी जातियों की टोली, उधर से भी जातियों की टोली एकजुट हो गई। पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस के आने पर समूचे गांव में हाहाकार मच गया, विरोध प्रतिरोध का स्वर उभरने लगा। संजली काकी इस हालत में भी गालियां बक रही थी, पैसा का गर्मी दिखाता है। सौसे श्राद्ध का जो पूरा का पूरा खर्चा दिया उसी का यह हाल। कोई कह रहा था मांगने नहीं गया था, घूस का फालतू पैसा था सो दिया। दरोगा जी सब समझ रहे थे, लेकिन IAS का केस वह विवश थे। समझाने बुझाने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। कई लोग गिरफ्तार हो चुके थे, रंग में भंग पड़ गया था। धनकू काका से अब रहा नहीं गया, वे बीच में आकर कहने लगे, दरोगा जी मुझे गिरफ्तार करो, सारा फिगुर का जर में ही हूं, क्या अच्छा क्या बुरा अभी विवाद का विषय नहीं है। विषय है श्राद्ध का निर्विघ्न संपन्न होना। अपने बेटों को भी समझाने लगे, बेटे आज जिस तरह तुम दोनों भाइयों में एकता है, देश विदेश की बहुएं एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहती है, हमारी पीढ़ी के लोगों में नहीं हो सका। कारण स्पष्ट है, शिक्षा का अभाव। बेटे जिस पक्ष में वृक्ष में जितना फल रहते हैं उतना ही झुक जाता है। बेटों ने अपना मुकदमा वापस ले लिया, बातें सरक गई। गांव के अन्य जातियों के लोग धनकू काका का जय जयकार करने लगे और अपनी जाति वाले बदले की तैयारी। उनके बेटे को चिंता थी धनकू काका के मरने के बाद अपने जाति के लोग उन लोगों को परेशान करेंगे। लोग इसी बात की धमकी भी दे रहे थे विकल्प की तलाश में। आखिर सबों को अपने अपने काम पर जाना पड़ा। अपने गांव क्या कई गांव में इस बात की चर्चा लोग कई महीनों तक चटकारे लेकर करते रहे। लेकिन इस तरह दकियानुसी बातें प्राय बड़े बूढ़े ही करते हैं, युवकों में अधिकांश इस स्थिति की भर्त्सना करते दिखाई पड़ते। लेकिन अभी भी गांव में बुजुर्गों का मान सम्मान थोड़ा बहुत बचा हुआ था। तब तक इनके दोनों बेटे सेवानिवृत्त हो चुके थे, अब पोते पोतियां काफी ऊंचे पदों पर आसीन थे। गांव के अपने पराए कितनों को नौकरी
देने दिलाने में भी मदद की थी। बड़े बड़े शहरों में इनके मकान थे, धन कुका करके वहीं रहने के लिए को वहीं रहने के लिए कहते थे, पर पता नहीं वे जाते और 10-20 दिन में भाग आते। लेकिन अब आजकल वे बहुत कमजोर हो रहे हैं, आखिर एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। बीमारी की हालत में दोनों बेटा बहू आकर खूब सेवा यत्न किया, लेकिन एक दिन सबको जाना है छोड़ के नगरिया, ओढ़ के चदरिया ना। मुंगेर घाट पर इनका अंतिम संस्कार हुआ। बिहार सरकार ने इनके संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कराने की घोषणा की। इलाके के लगभग 5,000 से अधिक लोग इनके संस्कार में शामिल हुए थे। सालिग्रामी हाई स्कूल पर हलवाई पहले से जलेबी पूरी बना रहा था। अपने स्वजाति में इनके अनेक युवकों ने इस भूतपूर्व दाह संस्कार में भाग लिया, कुछ एक दकियानुषों को छोड़कर। एक अद्भुत श्राद्ध की तैयारी जिसमें पंडित महापात्रों के प्रारंभिक औपचारिकताओं से अलग उनकी प्रतिष्ठा और श्राद्ध को पाखंड मानने के उनके विचार का सम्मान करते हुए एक नई व्यवस्था लाई गई। जाति बरादर को 5 दिन और गांव इलाके वाले को 3 दिन भोज का आयोजन था। एक अजबे किस्म का भोज जिसमें खाना बनाने वाले और परोसने वाले बाहर से मंगाए गए थे। ट्रकों पर लदकर बरौनी डेयरी से रसगुल्ले, दूध और दही लाया गया था। अखबारों में कई दिन तक धनकू काका का फोटो के साथ उनका पूरा जीवन वृत्त छपता रहा। अब जाति बरादर और के साथ बहुत बड़े बड़े लोग मैंने गांव वाले यहां कर लिए। अब जाति बरादर और गांव वाले को लगने लगा कि धनकू काका कितना नंबर लोग थे। बिहार के सीएम और उनके साथ बहुत बड़े बड़े लोग आए, खूब भाषण भूषण हुआ। समूचे गांव दरोगा पुलिस से गज गज कर रहा था, लेकिन सब गूर गोबर हो गया जब खाना कोंची में बफेलो सिस्टम, हम तो बुझबो नहीं करते हैं, पर हल्का सब कह रहा था कि बफेलो मैंने भैंस होता है। गांव के राम नंदन बाबू जोर से चिल्ला उठे थे, ले भिगमंगी खाना। कई लोगों ने उन्हें डांटा और समझाया, 17 तरह की मिठाइयां है, पत्ता पर एक एक भी रखने से किसी की मजाल है खाने का, और पूरी दही सब्जी अलग। कमाल था कि जो मन जितना खाओ, लाल पियर हरियर और तरह तरह की मिठाइयां दुकान की तरह सजाया गया था। पीछे से एक ही रंग का ड्रेस वाला प्रसनिहार मुस्तैदी से खड़ा था, जो नहीं आया वह पिटेपेट मर रहा था। जब कोई नया लड़का जाकर बाबा से कहता, बाबा नए गए, छेना के जलेबी कहियो खाए हैं, घर में मना करने के बाद भी लड़का फड़का मानता थोड़े था। आप बड़ों के जीव में पानी आने लगा, लेकिन अब वे पछता रहे थे। कोई कहने आए तब न, देसी घी की सुगंध से मह मह समूचे गांव के नहीं आने वाले के जी से लाग टपकना स्वाभाविक था। बात बबलू बाबू को मालूम हुआ, दोनों भाई सब कन हाथ जोड़कर अपने से घूमाए। अब हर स्वजातियों के परिवार वाले बाल बच्चे समेत सिर पर पांव रखकर छेना के जलेबी का स्वाद लेने पहुंचते हैं। छेना की जलेबी ने इस परिवार को अपने जाति में मिला दिया। धन्यवाद।